हेलो गाइज, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं जहां पर आपको दो बेनिफिट एक साथ मिले, पहला एक फिक्स मंथली इनकम भी मिले और दूसरा यहां पर मंथली इनकम के लिए जो पैसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कराएं वो भी आपका लगातार बढ़ता रहे, तो इस वीडियो में हम एक ऐसा ही प्लान देखने वाले हैं जिसके अंदर आप 24,000 रुपये की फिक्स मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं जो कि ज़िंदगी भर आपको मिलती रहेगी और इन्वेस्टमेंट किए गए लमसम अमाउंट भी आपका बढ़कर 3.5 करोड़ रुपये करीब हो जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर या तो हम हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं या फिर हम लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा टाइम देते हैं तब जाकर एक बड़ा फंड बनता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपको SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करके नेक्स्ट मंथ से यानी कि अगले मंथ से फिक्स मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मंथली इनकम के लिए अगर आप बैंक एनुअटी डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर फिक्स इनकम तो आपको होगी लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट है वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो वापस नहीं मिलेगा। दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस MIS प्लान में आपको मंथली इनकम भी मिलेगी और लमसम अमाउंट भी है जो वापस मिल जाएगा, बट जो रिटर्न है वो आपको यहाँ पर 7% तक ही मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी लगातार वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, वहीं इसके साथ साथ आपको एक मंथली बेसिस पर इनकम भी है जो मिलती रहेगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 100% आपको जो स्टेबल रिटर्न मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई एक से बढ़कर एक प्लान्स अवेलेबल हैं जो लॉन्ग टर्म में मंथली इनकम के साथ साथ आपके पैसे को जो कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिसमें से एक ऐसा ही प्लान्स है हाइब्रिड कैटेगरी का। हाइब्रिड कैटेगरी मतलब इक्विटी के साथ साथ डेट फंड के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सेवरन बॉन्ड्स के अंदर भी है जो इन्वेस्टमेंट होता है। इससे क्या होगा कि जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो HDFC के दोस्तों, इस जबरदस्त फंड का नाम है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का 68% पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है और 28% पैसा एकदम सिक्योर यानी कि डेट फंड और बॉन्ड्स के अंदर है जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो फंड की दोस्तों हम कैलकुलेशन करके देखें, उससे पहले जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों रिटर्न्स की, तो फंड का ऑल टाइम रिटर्न एनुअल रिटर्न है वो 15.59% का है, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न भी 15% का है, जबकि लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 17.93%, वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 22.69% का है। फंड के अगर हम दोस्तों टोटल AUM की बात करें तो वो यहाँ पर 22,697 करोड़ रुपये लोगों ने इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों होल्डिंग्स की, तो टॉप होल्डिंग्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड, इंफोसिस, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी के अंदर है जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, ये वो कंपनीज है जिनमें आपका पैसा है जो लगाया जाएगा। तो फंड का ऑल टाइम रिटर्न 15% है जो कि हम फ्यूचर के लिए भी है जो एक्सपेक्ट करते हैं, और आप लमसम इस फंड के अंदर 25 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर आप 24,000 रुपये की मंथली इनकम है जो सेट करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड में सबसे पहले बात करें 5 साल के टाइम पीरियड की, तो हर महीने दोस्तों आपको 24,000 रुपये की मंथली इनकम मिलेगी जिसके जरिए 14,40,000 रुपये का आपको जो विड्रॉल मिल जाएगा और जो आपके 25 लाख रुपये है उसकी भी वैल्यू अलग से बढ़कर 29,56,000 रुपये हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको मात्र 5 साल के अंदर करीब 20 लाख रुपये से ज़्यादा का जो प्रॉफिट होगा। वहीं दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 24,000 मंथली विड्रॉल के जरिए 28,80,000 का आपको विड्रॉल मिल जाएगा और जो आपके 25 लाख रुपये उसकी भी वैल्यू अलग से बढ़कर 38,74,000 रुपये हो जाएगी। 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 43,20,000 का आपको विड्रॉल मिल जाएगा और 25 लाख रुपये भी अलग से बढ़कर 57,21,000 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 24,000 मंथली विड्रॉल के जरिए आपको टोटल 57,60,000 का विड्रॉल मिल जाएगा और जो आपके 25 लाख रुपये है उसकी भी वैल्यू अलग से बढ़कर 94,35,000 रुपये हो जाएगी। वहीं दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड में 72 लाख का विड्रॉल मिल जाएगा और आपके 25 लाख रुपए की वैल्यू 1,69,05,000 रुपये हो जाएगी। वहीं दोस्तों मान लीजिए आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप हर महीने एक फिक्स मंथली इनकम लेना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों आने वाले 30 साल में आपके पास कोई जॉब होगा नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर आप एक बार 25 लाख रुपये लगाकर छोड़ देते हैं तो आने वाले 30 साल तक हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 24,000 रुपये आते रहेंगे जिसके जरिए टोटल आपको 86,40,000 रुपये का विड्रॉल मिल जाएगा और जो आपके 25 लाख रुपये है उसकी भी वैल्यू अलग से बढ़कर 3,19,32,000 यानी करीब 3.25 करोड़ रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी जो इनकम है या फिर जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट करके
मंथली इनकम के साथ साथ स्टेबल रिटर्न वो हासिल कर सकते हैं। फंड के दोस्तों बेसिक डिटेल में करंट एनएवी प्राइस की बात करें तो वो 113 रुपये का है, जबकि फंड की रेटिंग 3 स्टार है। वहीं मिनिमम आप इसमें 500 रुपये विड्रॉल से जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर हम दोस्तों इक्विटी सेक्टर एलोकेशन वाइज बात करें तो इस फंड का सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 36%, अदर सेक्टर में 12%, एनर्जी सेक्टर के अंदर 11% और एनर्जी सेक्टर के अंदर 11% पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। फंड के खर्चे यानी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर करंट में 1.02% का है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो एक साल से पहले इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा विड्रॉल करने पर आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज के साथ में 15% का टैक्स भी देना होता है। वहीं एक साल के बाद विड्रॉल करने पर और साथ में आपको 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो ऐसे में आपको 10% LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। बात करें यहाँ पर दोस्तों HDFC AMC की तो एसेट के हिसाब से इंडिया में नंबर रैंक सेकंड पर है, जिसका टोटल AUM 6,27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर SWP प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आप मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे की वैल्यू भी है जो कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैसा आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पर जो आप विड्रॉल है वो आपको 0.7% से लेकर मैक्सिमम 1% विड्रॉल सेट करना है। इससे क्या होगा कि आपके पैसे पर है जो रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा, यानी आपको लगातार मंथली इनकम मिलेगी फिर भी आपका पैसा है जो बढ़ता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं और आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर है जो इन्वेस्टमेंट होता है और स्टॉक मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन हमेशा आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी रिटर्न आपको जो कंसिस्टेंट मिल सकता है। वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेरा यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर करें या फिर एक बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जो एडवाइस जरूर लें, उसके बाद ही अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप मंथली सिर्फ 450 से लेकर 500 रुपये पे करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये वाला वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।